हो सकता है ये कहानी आपकी हो, तो इस कहानी को आप जरूर देखें। नमस्कार पंडित जी, चरण स्पर्श करता हूं। आयुष्मान भवा, आइए बैठिए। आदर्श बाबू, सब कुशल मंगल तो है? सब आपकी कृपा है पंडित जी। पंडित जी, आज मैंने आपको खास उद्देश्य से बुलाया है। पंडित जी, आज मैं आपसे अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। बोलिए जजमान। कि मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, और मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। पंडित जी मुझे भी बताइए, मुझे भी यही जानना है। आपका भी बताता हूँ। और पंडित गौरी शंकर जी लगे अपने गुड़ा भाग में। आदर्श बाबू के सवालों का जवाब जो देना था, आइए देखते हैं पंडित जी ने उनके सवालों का क्या जवाब दिया। जजमान, आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है। आपकी आयु भी उतनी ही होगी जितनी आपकी माता की आयु। जितना सुख तुम्हारी माता को, उतना ही आपको। जिस स्थान पर उनकी मृत्यु होगी, उसी स्थान पर आपकी भी मृत्यु होगी। अर्थात जैसा भविष्य आपकी माता का होगा, वैसा ही आप दोनों का भी होगा। अर्थात जैसा भविष्य आपकी माता का, वैसा ही आपका। जहां आपकी माता की मृत्यु, वहीं आपकी। पंडित गौरी शंकर जी ने आदर्श बाबू को उनका भविष्य बताकर अपनी दक्षिणा ली और वहां से प्रस्थान किया। और आदर्श बाबू को पंडित जी की भविष्यवाणी ने पूरी रात सोने नहीं दिया। जैसा भविष्य आपकी माता का, वैसा ही आपका, वैसा ही आपका, वैसा ही आपका। आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही, आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है। जैसा भविष्य आपकी माता का, वैसा ही आपका, वैसा ही आपका, वैसा ही आपका। जितना सुख तुम्हारी माता को, उतना ही आपको, उतना ही आपको, उतना ही आपको, उतना ही आपको, उतना ही आपको। आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही, आप दोनों का भविष्य तो एक जैसा ही है। जितना सुख तुम्हारी माता को, उतना ही आपको, उतना ही आपको, उतना ही आपको, उतना ही आपको, उतना ही आपको। बर्तन जल्दी जल्दी कर लो, इसी में मत लगे रहना, फिर कपड़े भी धोने, काम चोर कहीं की। अभी तक खाना नहीं बना, कितनी देर से चिल्ला रही हूँ, तेरे कानों में जू तक नहीं रेंगती। इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, सुनाई नहीं देता एक बार तुझे? और सुबह उठकर उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। रात को आदर्श बाबू और उनकी पत्नी को नींद तो आई नहीं। सुबह आदर्श बाबू जल्दी तैयार हुए और उनकी पत्नी गाड़ी की चाबी लेकर पहले से ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अब क्या करना है। तो आदर्श बाबू सीधे पहुंचते हैं उस जगह जहां उन्होंने अपनी माँ को रखा होता है, यानी वृद्ध आश्रम, और वहां से अपनी माँ को साथ लेकर घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और घर पर उनकी पत्नी पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रही हैं। आओ मम्मी जी, आओ अंदर आओ। पहले तो अपनी सास से क्षमा मांगी। मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बहुत बड़ी गुनाहगार हूं। उन्हें गले से लगा, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि माँ आखिर माँ होती है। जिन आदर्श बाबू को कल रात नींद नहीं आई थी, आज माँ के आ जाने पर चेहरे पे एक अजीब सी प्रसन्नता थी। वो जान चुके थे कि असली सुख कहाँ है। उनको आज बहुत ही मीठी नींद आएगी। दोस्तों, माँ आखिर माँ होती है।